क्या आपको सिर्फ 10 दिन के अंदर मोटा होना है? दिल भी करता होगा। और अगर आप दुबले पतले हो तो सिर्फ 10 दिन के अंदर मोटा होना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल सही वीडियो पे आप आए हो। जब आप लोगों का वेट गेन नहीं हो पा रहा होता, लड़कियां भी और लड़के इसी चीज की तरफ भागे आते हैं कि बस हम जल्दी से अपने वेट को गेन कर ले, मोटा हो जाए। क्योंकि सारी बात है उनको माशरे के अंदर बातें कुछ इस तरीके से होती हैं। बट मैं आज आपको इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में बताने वाला हूं, बल्कि आपको मोटा होना नहीं बताने वाला। नुकसान जब आप सुनोगे तो आप खुद ही कहोगे कि यार नहीं यूज कर ले। तो अपने भाई की बात को सुन लो, फिर बाद में आपको बताऊंगा कि हाँ भाई किस तरीके से मोटा होना, मैं आपको सही तरीका बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अब मैं आपको बताने वाला उसके नुकसान। आप लोग कैप्सूल खाते हो, आप लोग कोई समय लेके आपको हकीम के पास जाते हो और मेडिसिन खा लेते हो, या आपको कोई डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंडेड करता है, या फिर आपको फार्मेसी शॉप पर और होम्योपैथिक स्टोर पर आपको कैप्सूल वगैरह गोलियां मिल जाते हैं जिससे आप खा के मोटे हो जाते हैं। हाँ ठीक है भाई, आप लोग खा के मोटे तो हो गए, लेकिन उसके बाद होने वाले नुकसान इतने खतरनाक हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी कि मेरे भाई इतने नुकसान इससे हो सकते हैं। तो कौन से हो सकते हैं, यही आपको बताने वाला हूं। जिंदगी में मैंने भी बहुत ऐसे पर्सन देखे हैं जिनको साइड इफेक्ट हुए हैं और स्टिल अभी लोग वो काफी देर के बाद 5-7-8 साल के बाद भी लोग अभी तक उन्हीं चीजों का शिकार हैं और आज तक वो चीजें ठीक नहीं हुई। तो कौन सी चीजें जरा नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिये, मार्केट में फरबा नाम का कैप्सूल बहुत अवेलेबल है, होम्योपैथिक स्टोर से मिलता है और इससे 100% समय लगे 95% लोग मोटे हो जाते हैं। लेकिन उससे होने वाले नुकसान जरा आपकी पेशे नजर है। सबसे पहले तो मेरे भाई आपके मैदे के अंदर सोजिश हो सकती है जो कि बहुत बार देखने में आया है, यहां तक कि आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा मायने में है। जब आप एक चीज को ज्यादा यूज करोगे तो उसके नुकसान हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपको मैं बताना चाहूंगा, एक मेरी सब्सक्राइबर है, लड़की थी, उन्होंने आके वीडियो के नीचे कमेंट किया कि मैंने हकीम ने कोई छोड़ा जिसकी मैंने मेडिसिन ना खाई हो, यानी कि उन्होंने मेडिसिन यूज की किसी हकीम की। तो मेडिसिन यूज करने के बाद उनका वजन तो गेन हो गया, बट जब उन्होंने छोड़ी है तो उनका वेट जो है वो मजीद लो हो जा रहा है। अब उन्होंने बहुत ज्यादा मेडिसिन ले ली है बट उनका जो है वेट है वो गेन नहीं हो पा रहा, वो अब परेशान बैठी हुई है। देखो इंटरनल तौर पर आप लोगों के सोजिश होते थे मैदे में, गुर्दे फेल हो सकते हैं और आपका तजाबे हो सकते हैं मैदे के अंदर, और उसके अलावा आपको भूख जितना मर्जी आप खाओगे भूख से भूख लगी जाएगी, इस तरीके से हो सकता है। या फिर अगर मसला ये भी हो सकता है कि आप जब खाना खाओगे वो जल्दी से हजम नहीं हो पाएगा। तो थर्ड वन ये चीज रहती है कि अगर आप लोगों का वेट गेन होता है तो बाज़ वक़्त ऐसे सीन बन जाता है कि रुकता ही नहीं है, जब आप मेडिसिन यूज छोड़ दोगे रुकेगा ही नहीं, बढ़ी जाएगा वेट, बढ़ी जाएगा, इस तरह की कंडीशन भी आ सकती है। तो वो बहुत ज्यादा अजीब सिचुएशन क्रिएट कर देती है। तो यहां तक कि जो मैंने अपनी नजर के अंदर देखा है, जो सबसे मेन चीज है, लड़कियां और लड़कों दोनों के अंदर ये इशू क्रिएट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात सुन लीजिए, आप लोगों का जो स्पर्म क्वालिटी है वो बहुत लो हो जाती है जिसके बाद प्रेगनेंसी नहीं हो पाती और आप फिर वो परेशान होते हैं। मेरी जिंदगी के अंदर ऐसे 4-5 लोग मेरे पास हैं जो कि मेरे करीब करीब रहते हैं, जिन लोगों ने स्टीरॉइड यूज की थी और अभी तक उनका वही हाल है, वो ठीक नहीं हो सके, सालों साल उन्होंने मेडिसिन यूज कर ली है। तो ये एक आपकी आने वाली जिंदगी के लिए इतना बड़ा मसला क्रिएट कर देता है जो कि आप लोगों से सोल्व नहीं हो पाता। इतने हकीम की मेडिसिन, इतने डॉक्टर की मेडिसिन यूज कर ली है बट कोई उनको रिजल्ट नहीं मिला। तो अगर इतना नुकसान हो किसी चीज का तो वो यूज करनी चाहिए भला, कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा लड़कियों के साथ भी इश्यू हो सकते हैं, लड़कों के साथ भी हो सकते हैं। यहां तक कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि चीजों को जब मसलसल यूज करता है एक बंदे को, भाई कैंसर हो गया था मैदे के अंदर जख्म बन गए थे। जब आप एक चीज को कंटिन्यू यूज करोगे तो यार मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर इतने ज्यादा मसले हो जाएं आपको तो उन चीजों से बचना चाहिए। तो देखो चीजें तो मार्केट में बड़ी हैं अवेलेबल, तो आप लोग भी यही चीज देख के आए होंगे, बट मैं यहाँ आपको समझाया इसलिए, देखो यार हमारे सब्सक्राइबर के साथ ये इशू बना, हमारे लोगों के साथ इशू बना, कल ये ना हो कि यार आप लोगों के साथ ये मसला बन जाए। तो प्लीज मैंने इन्हीं के बारे में वीडियो के बारे में कैसे गेन करना है इसके बारे में मैंने 5-6 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, और किस तरीके से मैं खुद दुबला पतला था मैंने अपने वेट को गेन किया इसी के बारे में मैंने बड़ी मरतबा वीडियो बनाई हुई है, ताकि आप लोग एक नेचुरली चीजें यूज करें जिससे आपको कोई नुकसान भी ना हो बल्कि आपका जो वेट है वो गेन हो जाए इजीली। तो काइंडली आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देखें और अपने वेट को गेन करें। कोई जरूरत नहीं है आपको मेडिसिन खाने की, कोई कैप्सूल या गोलियां खाने की, यार बच्चों इन चीजों से जितना हो सके। तो यार यही मेरी कुछ वीडियो थी, अगर आपके पल्ले में बैठ गई है बात तो काइंडली अगेन अभी आप चीजें ना यूज करें, हेल्दी डाइट की तरफ आए ताकि आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। गाइस यही मेरी कुछ वीडियो थी, कुछ भी पूछना है इसके बारे में तो कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह।